अस्सलाम वालेकुम ख्वातिन और रज़ा। तो क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक होंगे आई होप। तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि आप सबको पता होगा इस मुतालिक। तो कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि यूट्यूब और टिकटॉक की एक जंग सी छिड़ गई है। तो मैं बेसिकली एक ब्लॉगर हूँ, मेरा काम नहीं है मुतालिक बात करना, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जब चल रही है और एक मौका मिला है तो क्यों ना हम भी इस मुतालिक बात करें। तो बेसिकली ये जंग की शुरुआत कुछ ये हुई कि एक इंडियन यूट्यूबर है एलवेश यादव, उसने रोस्ट किया बैठे बैठे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है सभी को तो उसने बेसिकली टिकटॉक को रोस्ट किया। और टिकटॉक मतलब जो नॉर्मली जो यूट्यूबर रोस्ट करते हैं वो एक क्रिंज को रोस्ट करते हैं, या बेसिकली किसी ना किसी ऐसी चीज़ों को रोस्ट किया जाता है। मगर एलवेश यादव ने जो चीज़ रोस्ट करी वो उसने बड़े लोगों को टारगेट कर दिया, यानी कि जो बड़े टिकटॉकर्स हैं। अब उसके जवाब में उन टिकटॉकर्स की बजाय आ गए आमिर सिद्दीकी साहब, और आमिर सिद्दीकी साहब ने इस चीज़ का जवाब देना बेहतर समझा। तो चलिए देखते हैं आमिर सिद्दीकी साहब ने क्या हिसाब किताब, किस तरीके से इस चीज़ को यानी कि रिप्लाई किया है। तो चलिए, और ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है क्योंकि और ना ही हमारा काम है रोस्ट करना। अबे साले, तो हम एक बस इस मुतालिक देखते हैं कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या बात होगी। What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui, live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। हाँ तो भाई बेहतरीन, चले अब हो गया शुरू। और गाइज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को आप लोग के पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। इस बात पे तो मैं आपकी भाई एग्री करता हूँ आमिर भाई, के आप सही कह रहे हैं कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मगर ऐसा है कि टिकटॉक पर ज्यादातर ही लोग ही क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, कम नहीं बनाते हैं मेरे भाई। जरा देखिएगा अपना फॉर यू पेज देख लीजिएगा एक बार। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। अबे साले, रमजान का महीना है अमर भाई, ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्रिंज इंटू 100 हो गया, थोड़ा सा समझा देना आमिर भाई प्लीज। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो। यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अगर हमने आपका कंटेंट उठाकर अपलोड कर दिया ना, तो पता है सबसे पहला कॉपीराइट कौन मारेगा हम पर? टी सीरीज। महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो, वैसे भी अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे। हाँ मेरे भाई, लेकिन मैं हमेशा टिकटॉक पे ऐसा नहीं होता, वो की चैलेंज, वो चाय पी लो, वो और वो क्या था यार, वो जो था यार, वो बहुत हार्ड वाला। तो मैं हमेशा यूट्यूब पे होता होगा ये चीज़। और अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेलो टिकटॉकर्स से। तो गाइज आप लोग छिड़ो मत, डीमोटिवेट मत हो। अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो। और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स हैं जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। आमिर भाई जितना ही बड़ी आपकी एक वीडियो होती है ना, उतना आमिर भाई जो हम ये यूट्यूबर्स की वीडियोस के शुरू में जो ऐड होता है ना वो होता है आमिर भाई, सॉरी। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। फिर तो आमिर भाई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार, अगर हमारा इधर से हमारे तो सब्सक्राइबर भी नहीं है ना आमिर भाई, हमें सपोर्ट कर लेना आमिर भाई जब आप आओ तो प्लीज। पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते।
तभी तो आमिर भाई आप दिन की तीन तीन चार चार वीडियो अपलोड करते हो आमिर भाई। एक और पॉइंट है दैट इज सोर्स ऑफ अर्निंग। तो यूट्यूबर्स भी ब्रांड से कमाते हैं और हम लोग भी टिकटॉकर्स भी ब्रांड से ही पैसा कमाते हैं। तो यार आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो टिकटॉक पे ज्यादा ब्रांड्स है कम्पेयर टू यूट्यूब। तो आप लोग डीमोटिवेट करके क्रिंज बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स बेवकूफ नहीं है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो दैट इज अ कॉमन सेंस जो मैं बताने को एक्सप्लेन कर रहा था। ये बात तो समो भाई ने सही बोली है कि आपके पास जब कोई आ जाता है ब्रांड तो आपसे एक ही बात करते हैं, वो 150 रुपया देगा। शायद आप लोग की वीडियोस नहीं दिख रही रहेगी इन लोग को, हम लोग की वीडियोस ज्यादा ही दिख रही है, इसी के लिए तो आप लोग रोस्ट कर रहे हो ना हम लोग, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ मेरे भाई ये बात आपकी सही है, आप हर जगह दिख रहे हो, आप हमें इन्फिनिक्स के एड्स में भी नजर आ रहे हो, आपके जो है वो पेप्सी वाले एड्स में भी आप लोग हो, आप तो हर जगह नजर आ रहे हो बस आमिर भाई, क्या बताएं। तो आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी बनाओ वीडियोस, और अगर हमारे कंटेंट क्रिंज या कुछ होते तो आप लोग क्यों आ गए टिकटॉक के ऊपर। अच्छा जी, तो देखिए टिकटॉक और एक जो यूट्यूब है ना उसमें डिफरेंस अच्छा खासा है, यानी कि एक बड़ा डिफरेंस है। टिकटॉक एक बेसिकली एक वो एप्लीकेशन है जो हम खुद डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में फ़ोन में उसका अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जो यूट्यूब है ना वो एक जब भी कोई आप एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हो तो उसमें वो ऑलरेडी इंस्टॉल आपको मिलती है वो एप्लीकेशन। वो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है तो आपका उससे कॉम्पिटिशन नहीं बनता, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ एक है। सेकेंड, उनके जो कंटेंट है और आपके जो कंटेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप सिर्फ एक डिपसिंग कर रहे हो एक बने बनाए डायलॉग पर, एक क्या कहते हैं यानी कि कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो उस पर आप आकर उसी चीज़ को आप कॉपी कर रहे हो, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हर किसी को एक अपना एक अलग स्टाइल क्रिएट करना पड़ता है, और मेहनत की जहाँ तक बात है तो एक वीडियो में पहले रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसके बाद वो एडिट करनी पड़ती है, रेंडर होती है, अपलोड होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स है इस चीज़ में। तो ये तो बात क्लियर है कि आपके कंटेंट और हमारे जो कंटेंट है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सेकंड चीज़, अगर क्रिंज की बात करूँ तो इस चीज़ पे मैं भी एग्री करता हूँ कि पूरा टिकटॉक क्रिंज नहीं है, मगर काफ़ी हद तक क्रिंज ज़रूर है, यानी कि आई थिंक कोई 40 या 35% चीज़ें क्रिंज में ही शुमार हो रही हैं आपकी, और वो चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं। इशू ये उन चीज़ों पर व्यूज़ आ रहे हैं, उन चीज़ों पर लाइक्स आ रहे हैं, लोग वो चीज़ देख रहे हैं, उनकी वजह से असल इशू ये होता है कि जो मेहनत करने वाले कुछ क्रिएटर्स हैं ना वो बेचारे प्रमोट नहीं हो पाते, ये एक इशू है टिकटॉक का है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कोई रोस्ट करने का मकसद नहीं था, ना ही मैं रोस्ट कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हैसियत नहीं है, तो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी तो हमने सोचा हम भी इस दरिया सिंध में हाथ डाल दें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मगर अगर नहीं पसंद आए ना तो डिसलाइक करना। रमजान का महीना खत्म होने दो, फिर मैं ईद के बाद उसी जबान में बात करूंगा जो जबान को तुम समझते हो। तो आमिर भाई फिर आपको ताजमहल वाजमहल बनवाए उनके लिए, प्लीज प्राउड फील करवाना है ना।